तो अब हम लोग इसके ट्रांसमिशन सिस्टम को असेंबल करेंगे, और मैंने जो पार्ट्स परचेज किया है उसका प्राइस आप देख लीजिए। ये वेरिएटर का प्लेट है जो कि ओल्ड वाला डैमेज हो गया था, तो ये प्लेट मैंने परचेज किया है। ये देखिए प्लेट, ये सही है, ओल्ड वाला डैमेज आ गया था, एक यहाँ पे कट हो गया था, ये न्यू वाला है तो हम लोग न्यू वाला यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये रोलर्स है, वेट रोलर्स, और इसका कॉस्ट बहुत ही हाई है, 360 रुपीज़। आप देख सकते हैं ये है रोलर्स, हमारा न्यू रोलर्स। ओल्ड वाला रोलर्स मीडियम कंडीशन में था और मैं उसे यूज़ नहीं करना चाहता था। ओल्ड रोलर्स को आपको कैसे चेक करना है, तो इसे चेक करना है कि इसमें कोई भी फ्लैट सरफेस नहीं होना चाहिए, कोई भी कट नहीं होना चाहिए। ये आप इसे ग्लाइड करके देखिए, और ये अगर फ्रीली ग्लाइड करता है तो वो सही है। उसके बाद यहाँ पे है बेल्ट, ये जो बेल्ट ड्राइव है जो मेन, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ होंडा का, और ये होंडा एक्टिवा 100 cc वाला जो आता था, सेम वही इंजन आपका प्लेजर का भी है, ओल्ड प्लेजर का, तो मैं इसमें होंडा का बेल्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, और इसका कॉस्ट है 410। परफेक्ट, और इसको आपको सेफली रखना है, इस पर कोई भी ग्रीस ऑयल का टच नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली ये ड्राई रहना चाहिए। और इसका लाइफ होता है 24,000 किलोमीटर, उसके बाद आपको इसे रिप्लेस करना होता है। तो हमारे पास है न्यू प्लेट और न्यू रोलर्स, सब कुछ नया है, परफेक्ट है, और इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और ये जो प्लेट है इसके अंदर इस तरह से बुश रहता है, और ये इस तरह से मूव करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रीस देना है, थोड़ा सा रहना चाहिए, अगर ज़्यादा रहेगा तो वो बेल्ट पे आ जाएगा, तो थोड़ा सा ग्रीस का आपको यूज़ करना है ताकि ये बुश पे अच्छे से ग्लाइड कर सके, ठीक है। और मैं ये देखिए अंदर में बुश वाले एरिया में ये लगा रहा हूँ, बाहर नहीं लगा रहा हूँ मैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा आपको ग्रीस का यूज़ करना है, इम्पॉर्टेंट है, और इस एरिया में मैं कोई भी ग्रीस का यूज नहीं कर रहा हूँ रोलर्स के लिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पे ग्रीस लगा के रोलर डालते हैं, बट वो सही नहीं है, वहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है ग्रीस के कारण, और रोलर्स फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, और हैंडल वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आता है। तो बेस्ट है कि आप WD-40 का थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं WD-40 का थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, ये सही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्लेट का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है इस तरह से, ठीक है, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो ये जो प्लेट है वो इस तरह से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये जो रोलर आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पिंक साइड है और दूसरा वाइट साइड है, यहाँ पे प्लास्टिक यहाँ तक दिया है, तो आपको इस रोलर को अगर मूव कर रहा है इस तरह तो पिंक रहेगा इस साइड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा अगर आप उल्टा लगा देंगे तो कोई बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ऐसा नहीं है, बट अगर ऐसा लगाते हैं इस तरह से तो यहाँ पे ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है ये लास्ट तक दिया है, तो ये प्लेट को कटने से बचाएगा, तो इस तरह से आपको इसे प्लेस करना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर से, पिंक साइड इधर है और वाइट साइड इधर है, तो इस तरह से, और मैंने WD-40 इसमें लगा लिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है, ये रोलर्स परफेक्टली आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद ये जो प्लेट है ये हम लोग लगा लेंगे, और इसमें ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये इसका कटा नहीं होना चाहिए, इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये अभी सही है। अगर इसमें थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम लगे कि ये चलने लायक नहीं है तो इसको आपको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह से प्लेस कर देंगे। ये देखिए इसको हम लोग अपने जगह पे इस तरह से प्लेस कर देंगे, ये आ गया परफेक्टली कंप्लीटली, ये फिट हो गया है। और एक बार आपको इससे इस तरह से देख लेना है, ठीक है,
ये फ्रीली मूव होना चाहिए, ये देखिए फ्रीली इस तरह से मूव होना चाहिए, ये देखिए ये फ्रीली इस तरह से मूव हो रहा है, मतलब रोलर सही ग्लाइड कर रहा है। कोई भी ग्रीस का यूज़ मत कीजिए, या यूज़ कर भी रहे तो स्लाइटली यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ग्रीस का यूज़ करेंगे तो वो अननेसेसरी वहाँ पे डस्ट एक्यूमलेट होगा और रोलर्स का फ्री मूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए रोलर्स कितना अच्छा से फ्रीली मूव कर रहा है, इस तरह से आपको देखना है कि ये रोलर फ्रीली मूव कर रहा है कि नहीं। देखिए इस तरह से आपका रोलर फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रेडी हो गया है, अब इसे हम लोग फिट करेंगे और इस पूरे असेंबली को हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। और ये जो मैंने आपको बूस्ट बताया था, इस बूस्ट को हम लोग इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे इस तरह से। इसी के लिए हम लोग ने ग्रीस का यूज़ किया था, ये देखिए ये आ गया परफेक्टली, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि ये सब पोर्शन पर कोई भी ऑयल और ग्रीस नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका बेल्ट स्लिप करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को बेल्ट इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो टिथ है ये 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। अगर थोड़ा भी इसमें वियर आपको दिखे तो आपको इसे रिप्लेस कर देना है। तो ये परफेक्टली अभी 90 डिग्री है, तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसे ही इंस्टॉल करेंगे, ये इंस्टॉल हो गया इस तरह से, परफेक्टली आ गया ये। इसका वाशर और ये नट इसे हम लोग टाइट कर देंगे, और टाइट अगर आप इसे करने जाएंगे 17 mm का ये नट है, आपको याद होगा, और इसे बहुत अच्छे से टाइट कर देना है। ये अच्छे से टाइट हो गया, तो फ्रंट वाला पुल्ली परफेक्टली फिट हो गया है। अब हम लोग रियर पुल्ली को फिट करेंगे, और अब हम लोग फिट करेंगे रियर पुल्ली को। तो रियर पुली ऑलरेडी हमने यहाँ तक असेंबल कर लिया था, अब यहाँ पे स्प्रिंग लगेगा इस तरह से, और ये आपका क्लच, तो इसे हम लोग को इस तरह से प्रेस करना होगा। और प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये जो नट है ये लगेगा, ये देखिए ये अच्छे से आपको प्रेस करना है इस तरह से, और इसका जो नट था यहाँ पे लगेगा, ये देखिए इसका नट मुझे लगाना होगा, फिट करना है, और इसके बाद ये नट हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, ये देखिए। इसका नट को आपको लगाना होगा, ये देखिए इस तरह से लगेगा इसका नट, ठीक है। केयरफुली आपको लगाना है क्योंकि ये जो स्प्रिंग रहता है बहुत हाई टेंशन का रहता है। इसे मैं टाइट कर लेता हूँ, तो इसे हम लोग को अच्छे से टाइट कर लेना है, और इसके मूवमेंट को आपको चेक कर लेना है, या मूवमेंट हो रहा है इसमें। हालांकि ये जो स्प्रिंग होता है बहुत हाई टेंशन का स्प्रिंग होता है, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग इसे इंस्टॉल कर देंगे, तो ये इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। बट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें दो बियरिंग होता है, कि यहाँ होता है और एक यहाँ पे निडल बियरिंग होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ग्रीस फीड कर लेना है, यहाँ पे बहुत सारा ग्रीस इसमें फीड कर लेना है, ठीक है। अच्छे से इसमें ग्रीस को फीड कर लेना है, ग्रीस इसमें रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसमें दो दो बियरिंग होता है, तो ग्रीस इसमें आपको अच्छे से फीड कर लेना है। ये देखिए अच्छे से लास्ट लिमिट तक इसमें ग्रीस अच्छे से इसे फीड कर लेना है, देखिए इस तरह से इसमें ग्रीस रिक्वायर्ड होता है। इसे वेल लुब्रिकेटेड रखें और इसे डैमेज होने से बचाएं, ठीक है। तो अब इसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और इसे हम लोग प्रेस करेंगे तो ये बेल्ट इसके इनर स्लॉट में चला जाएगा इस तरह से, ये देखिए इसे आप प्रेस कीजिए, ये बेल्ट अंदर चलता चला जाएगा और ये इंस्टॉल करने में इजी हो जाएगा। ये देखिए इसे आपको प्रेस करना है और ये अंदर घुस जाएगा बहुत ही इजीली इस तरह से, ये अपने जगह पे आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से अपने जगह पे आ गया है ये, फ
परफेक्टली ये बेल्ट फिट हो गया है और जो एक्स्ट्रा ग्रीस है इसको आपको हटा लेना है, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि पुल्ली और इसके बेल्ट पे थोड़ा सा भी ग्रीस और ऑयल आपका नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो आपका बेल्ट स्लिप करेगा, जो कि सही नहीं है। ये इंस्टॉल हो गया है। इस नट को अच्छे से हम लोग टाइट कर लेंगे, ये नट लूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये ड्रम को क्लीन कर लिया अच्छे से। ये ड्रम हम लोग इसमें इंस्टॉल कर देंगे और इसका नट, यहाँ पे कोई भी वाशर नहीं है, ये फ्लैंग नट है, इसे हम लोग टाइट कर देंगे। होल्डर इंस्टॉल करके इसे अच्छे से टाइट कर देना है। ये देखिए, ये यूनिवर्सल होल्डर बहुत काम का चीज़ है, बहुत जगह ये काम कर जाता है। परफेक्टली टाइट हो गया है, तो इसका ट्रांसमिशन सिस्टम परफेक्ट हो गया है। जो जो इसमें डिफेक्टिव पार्ट था हमने इसे रिप्लेस कर दिया है। और ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है अगले 50,000 किलोमीटर के लिए रेडी है। बस हमें 24,000 किलोमीटर पे इसका बस एक बेल्ट चेंज करना पड़ेगा, रिमेनिंग 50,000 तक के लिए रेडी है, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। ये एक्चुअली पानी में चला गया था, फ्लड में रन हुआ था, इसीलिए बहुत जल्द इसमें प्रॉब्लम आ गया था, सब कुछ डैमेज हो गया था, क्लच और इसका प्लेट ये सब। और अगर इसे आप अच्छे से यूज़ करते हैं तो 50,000 तक इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। और एक पॉइंट था कि हैंडल वाइब्रेशन स्कूटर्स में क्यों होता है, गियरलेस स्कूटर में। तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया जिसमें मैंने इस ट्रांसमिशन सिस्टम का जो वर्किंग है, कैसे ये काम करता है, वो मैंने बताया है। तो उसको आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्यों प्रॉब्लम आता है, ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो बेल्ट है, जब रेस्ट में जाता है ये आपका, जब स्कूटर रुकता है, तो यहाँ पे ये लोएस्ट डायमीटर पे रहता है और यहाँ पे हाईएस्ट डायमीटर पे ये लगा रहता है बेल्ट। बट सपोज अगर इसका रोलर सही नहीं है, ठीक है, रोलर सही नहीं है, रोलर डैमेज हो गया है, वो ग्लाइड होकर के बॉटम में नहीं आता है, तब क्या होगा कि ये बेल्ट आपका लोएस्ट डायमीटर पे नहीं जाएगा, ये ऊपर ही रह जाएगा। और ऊपर अगर रह जाएगा ये, तो जब स्टार्टिंग में इसे हाई टॉर्क और लो स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, वो हाई टॉर्क इसे प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपका इंजन सफोकेट करता है, नॉक करता है, और वो वाइब्रेशन आपको हैंडल में पता चलता है। इस चीज़ का अगर आपको पता करना है, तो कभी भी कोई मोटरसाइकिल को आप थर्ड गियर में रेस्ट से मोशन में लेके जाइए, स्टार्ट कीजिए, उसके बाद थर्ड गियर में डालिए और उसके बाद आप उसे रन करने की कोशिश करें, आपको वहाँ पर हैंडल वाइब्रेशन फील होगा। एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर होता है। स्टार्टिंग में इसे हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, बट इसका बेल्ट लोएस्ट डायमीटर पे नहीं रह पाता है बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव रोलर्स, और उसके कारण ये मीडियम डाया या हाई डाया पे रहता है। और वही प्रॉब्लम होता है जो कि अगर आप मोटरसाइकिल को हाई गियर पे रखेंगे और उसके बाद आप उसे रन करने की कोशिश करेंगे, तो वही आपका नॉक करने लगता है, तो वही प्रॉब्लम इसमें होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रांसमिशन सिस्टम का कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आया होगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप ये सब काम कीजिए, कंप्लीटली क्लीन कर लीजिए इसको, जो भी बेल्ट का डस्ट है। ये नहीं कि सिर्फ इसका पार्ट्स रिप्लेस कर लिए, इसे क्लीन नहीं किया अच्छे से, तो वो यूजलेस है। अगर आपने इसे क्लीन कर लिया तो 50% बेटर आपका वर्क ऐसे ही हो गया। तो हमेशा इसे नीट एंड क्लीन आपको रखना है। जब भी कोई भी वर्क आप करें तो अच्छे से इसे क्लीन करें, एक भी डस्ट का पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम आपके स्कूटर में भी अगर ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम आता है, तो एक एक चीज़ मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आप सब कुछ खुद से समझ सकते हैं, खुद से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक किए, अपने दोस्तों में शेयर किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि इस सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सके। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।